मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम लोग चैप्टर 2 कोस्टल प्लेन्स एंड आइसलैंड्स ही कंटिन्यू करेंगे। और आज इस वीडियो में हम लोग आइसलैंड्स के बारे में पढ़ेंगे, जो इंडिया के आइसलैंड्स हैं। तो इसमें हम अंडमान एंड निकोबार आइसलैंड ग्रुप और लक्षद्वीप आइसलैंड ग्रुप के बारे में पढ़ेंगे। सो लेट्स स्टार्ट स्टूडेंट। फर्स्टली हम लोग आइसलैंड्स के बारे में पढ़ेंगे। इंडिया में समुद्र तट से दूर दो मुख्य आइसलैंड्स हैं, अंडमान एंड निकोबार आइसलैंड एंड लक्षद्वीप आइसलैंड। ये यहाँ दो जो हैं मुख्य आइसलैंड्स हैं इंडिया के। ये भूमध्य रेखा के समीप स्थित हैं। ये आइसलैंड्स घने जंगलों से भरे हुए हैं और यहाँ पर बहुत घने जंगल हैं। इसी कारण यहाँ का जो क्लाइमेट है वो गर्म है और नमी है यहाँ के क्लाइमेट में। यहाँ के लोगों का मुख्य व्यवसाय मछली पकड़ना और कृषि करना है। नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे अंडमान एंड निकोबार आइसलैंड के बारे में। वेस्ट बंगाल में कोलकाता से 1250 किलोमीटर दक्षिण पूर्व की ओर अंडमान और निकोबार आइसलैंड स्थित है। यह 7 केंद्र शासित प्रदेशों में आता है। हमारे इंडिया की जो 7 केंद्र शासित प्रदेश हैं, 7 यूनियन टेरिटरीज हैं, उनमें एक अंडमान एंड निकोबार आइसलैंड भी है। इसकी राजधानी पोर्ट ब्लेयर है। यहाँ के लोगों का मुख्य व्यवसाय एग्रीकल्चर, कृषि, एनिमल रेयरिंग, पशुपालन, फिशिंग, मछली पकड़ना, प्लांटेशन, वृक्षारोपण एंड कंस्ट्रक्शन, जो बिल्डिंगों का निर्माण है, यह यहाँ के लोगों का मुख्य व्यवसाय है। यहाँ पर मुख्य रूप से जो फसल की खेती की जाती है वो है पैडी, जिसे राइस कहते हैं, चावल, जो यहाँ पर मुख्य रूप से अंडमान एंड निकोबार आइसलैंड्स ग्रुप पर इन्हीं की खेती की जाती है। यहाँ पर बहुत सारे इम्पॉर्टेंट प्लेसेस हैं विजिट करने के लिए, जिसमें से कुछ हैं महात्मा गांधी मरीन नेशनल पार्क, रॉस एंड स्मिथ ट्विन आइसलैंड, मायबंदर बीचेस, गांधी पार्क, सिप्पी घाट फॉर्म, माउंट हैरियट, मिनी जू जो कि हड्डों में स्थित है, और सेल्युलर जेल जो कि यहाँ के कुछ इम्पॉर्टेंट प्लेसेस हैं। नेक्स्ट इज फीचर्स ऑफ द आइसलैंड। अंडमान निकोबार आइसलैंड्स के यहाँ पर आपको फीचर्स बताए हैं। फर्स्ट फीचर इज अंडमान निकोबार आइसलैंड में लगभग 570 आइसलैंड्स हैं। ये ग्रुप ऑफ आइसलैंड्स है और यहाँ पर लगभग 570 आइसलैंड्स स्थित हैं। यह इंडिया का सबसे साउथर्न मोस्ट लैंड पॉइंट है यहाँ पर, और जो कि इंदिरा पॉइंट है, और वो यहीं पर स्थित है अंडमान निकोबार आइसलैंड में। आइसलैंड ग्रुप्स का सबसे हाईएस्ट पॉइंट सैडल पीक, जो कि सी लेवल से 722 मीटर ऊपर है, वो भी यहीं पर स्थित है। यहाँ पर और भी अदर इम्पॉर्टेंट प्लेसेस हैं, जैसे कि नया गांव, चौलद्री एंड टसनाबाद। ये यहाँ के कुछ फेमस इम्पॉर्टेंट प्लेसेस हैं। नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे लक्षद्वीप आइसलैंड। लक्षद्वीप आइसलैंड पश्चिम में साउथर्न स्टेट केरला से 250 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। यह अरेबियन सागर, अरब सागर में है। यह सबसे स्मॉलेस्ट केंद्र शासित प्रदेश यूनियन टेरिटरी है। सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश है हमारे इंडिया का।
लक्षद्वीप आइसलैंड की राजधानी कावरत्ती है। नेक्स्ट इज फीचर ऑफ द आइसलैंड। लक्षद्वीप आइसलैंड में लगभग 25 आइसलैंड्स हैं और इसमें से 10 आइसलैंड्स ही पर जनजीवन है। कावरत्ती, कल्पेनी, मिनिकॉय, बंगाराम ये सभी इस आइसलैंड के फेमस आइसलैंड्स हैं। यहाँ पर जो लक्षद्वीप आइसलैंड है, यहाँ पर जो कोरल रीफ्स हैं वो पॉपुलर टूरिस्ट डेस्टिनेशन हैं। कोरल रीफ्स मतलब जो प्रवाल भित्तियाँ होती हैं, जो कि जिनके कारण यहाँ पर सभी लोग टूरिस्ट विजिट करने आते हैं। यहाँ पर आपको उसका पिक्चर भी दिया हुआ है, आप लोगों ने देखा होगा जो डिस्कवरी चैनल पर आप लोगों ने अगर देखा हो तो इस तरीके से समुद्र में ये जो प्रवाल भित्तियाँ होती हैं और यहाँ पर बहुत सारी मछलियाँ और जो जलीय पौधे होते हैं, जल में रहने वाले पौधे वो सब होते हैं और यहाँ पर सभी विजिट करने जाते हैं समुद्र में अंदर। लक्षद्वीप आइसलैंड का जो लोग हैं वहाँ का मुख्य व्यवसाय है फिशिंग करना, मछली पकड़ना, कोकोनट कल्टीवेशन, कोकोनट की खेती करना और कोयल टिस्टिंग। यहाँ पर जो टूरिज्म है यह इंडस्ट्री उभर कर आ रही है और यहाँ पर सभी टूरिस्ट विजिट करने आते हैं, तो यहाँ पर टूरिज्म भी है, टूरिज्म इंडस्ट्रीज भी हैं। यहाँ के कुछ फेमस डांस फॉर्म्स हैं इस आइसलैंड के, जैसे कि कोलकली, परीचकली और लावा, ये इस आइसलैंड के कुछ फेमस डांस फॉर्म्स हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे चेक पॉइंट। चेक पॉइंट में आपको मैच द फॉलोइंग दिया हुआ है, आपको इन दोनों कॉलम्स को मैच करना है। फर्स्ट दिया है महानदी, सो महानदी जो है वो ईस्टर्न कोस्टल प्लेन में आती है, वहीं पर बहती है, तो यहाँ पर हमने ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स के आगे फर्स्ट नंबर मेंशन किया है। नेक्स्ट है पणजी, पणजी जो है वो राजधानी है गोवा की, तो हमने गोवा के आगे सेकंड नंबर लिखा है। थर्ड इज सिलवासा, सिलवासा जो है वो दादर एंड नागर हवेली की राजधानी है, तो इसके आगे हमने थर्ड लिखा है। नेक्स्ट इज केरला, केरला को गॉड्स ऑन कंट्री भी कहते हैं, तो इसके आगे हमने फोर लिखा है। नेक्स्ट इज अंडमान एंड निकोबार आइसलैंड, तो यहाँ पर सेलुलर जेल है, तो हमने इसके आगे नंबर 5 लिखा है। आज के पार्ट में हम लोगों ने आइसलैंड्स क्या होते हैं और हमारे इंडिया की 2 आइसलैंड ग्रुप्स अंडमान एंड निकोबार आइसलैंड एंड लक्षद्वीप आइसलैंड के बारे में पढ़ा, साथ ही हमने इन दोनों आइसलैंड्स के फीचर्स के बारे में भी पढ़ा। सो ये चैप्टर आपका कंप्लीट हो गया है, अब आप इसका रिवीजन कीजिए। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे। थैंक यू।